फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी अड्डा बस्ती गुज्जा जलंधर की ओर से तीसरी वार्षिक बाबा बालकनाथ जी की चौकी एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस चौकी में राजेश्वरी धाम देवी राजरानी मंदिर के प्रधान कैलाश बब्बर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर क्लब के प्रधान रिक्की उपल की तरफ से मुख्य अतिथि को माता की चुनरी और बाबा जी का सिरोपा डालकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जलंधर सेंट्रल के पूर्व विधायक रजिंदर बेरी और विधायक रमन अरोड़ा भी विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर सतीश साई ने बाबा बालकनाथ के भजनों को गाकर समा बांध दिया। इस मौके पर फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विक्की उपल, चेयरमैन विमल कुमार, उपाध्यक्ष रितेश नंदा, कैशियर हरीश वालिया, मुख्य सलाहकार अमनदीप शर्मा, उपाध्यक्ष विजय कुमार विजय बाली, सचिव नवदीप जरेवाल, वरिंदर अविनाश चोपड़ा, अशोक लाडी, संजीव वर्मा, अशोक कुमार, चंद्र मोहन गौतम सहित शहर के असंख्य भक्तजन शामिल रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक मंगा पुजारी एंड पार्टी ने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, अवतार गब्बी, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में कलाकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह पंडित राम रतन देवेश्वर, पंडित मदन मोहन देवेश्वर और महंत पंडित राम निरंजन देवेश्वर की स्मृति में आयोजित किया गया, जो कि पिछले 35 वर्षों से लगातार हर रविवार को भजन संध्या में आयोजित किया जाता है। इस मौके पर राजन राज, खुशप्रीत एंड पार्टी करतार वालों ने अपनी हाजिरी लगाई। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपती, अवतार गब्बी, चंद्रमोहन ढींगरा, दिनेश कुमार, विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव सानी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल सारथी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद थे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
यस बैंक फुटबॉल चौंग शाखा की ओर से नए वित्तीय वर्ष के उपलक्ष्य में लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर का उद्घाटन बैंक की शाखा प्रबंधक क्षमा सागर ने किया। उन्होंने बताया कि उनका पिछला वित्तीय वर्ष बहुत अच्छा रहा, नया वर्ष भी अच्छा रहे, इसलिए बैंक कर्मचारियों द्वारा योगदान देकर इस लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैंक के चेयरमैन हरप्रीत सिंह, सेल्स ऑफिसर गौरव, सेल्स ऑफिसर केशव बिट्टू और अन्य बैंक के कर्मचारी उपस्थित थे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल सारियां नूं, मैं शमा सागर, येस बैंक फुटबॉल चौंक जलंधर ब्रांच तो। इतने सारे स्टाफ ने मिलकर लंगर की सेवा लाई है, तो सारे रिक्वेस्ट है प्लीज इतने आओ तो लंगर एंजॉय। थैंक यू। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसने अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री देवी धाम मंदिर अमर नगर गुलाब देवी रोड की पूज्य देवाजी शर्मा, विजय शर्मा, दीपक शर्मा और पल्लवी शर्मा, श्री दुर्गा मंदिर गली नंबर 11 अवतार नगर के हंसराज ढल और नरेश कुमार, श्री हरि दर्शन मंदिर अशोक नगर के कृष्णलाल अरोड़ा, पंडित प्रमोद शास्त्री, अनिल सबरवाल और राजेश कुमार, श्री गीता मंदिर आदर्श नगर के समीर मरवाहा, पंडित सखाराम शास्त्री, पंडित राजेश मिश्रा, नवीन सेठी, श्यामलाल, सुरेश सेठी, बंटी, समीर मरवाहा, गोल्डी और हेमंत बड़वा बाबा, पारदेश्वर सिद्ध पीठ गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर के सुभाष शर्मा, विजय जोशी, एसके शर्मा, एसके मित्तल, विकास सेठी, पंडित भक्ति सागर, पंडित दीनानाथ, पंडित पारसनाथ और पंडित आनंद शास्त्री, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर गुरु अमरदास नगर के अशोक गिल, मोंटी कमलेश रानी, परमजीत राम, बलिस्टर जितेंद्र कुमार, माला गिल और मनी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वह असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मैं देवी धाम मंदिर की संचालिका देवाजी शर्मा, जो 16 तारीख को श्री रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है, हम सब मिलकर सारी संगत को लेकर घूम आके जाएंगे और श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राम। सारे इलाका वासियों को विनती है कि श्री रामनवमी का त्यौहार जो आ रहा है, उस सारे शामिल हो और शामिल हो के प्रभु का गुणगान करन और अपने जीवन को सफल बनाए। आज हरि दर्शन मंदिर में देवी तालाब से हमारे राम भगत जो रामनवमी का संदेशा लेकर के आए हैं, 16 तारीख को जो रामनवमी की शोभा यात्रा देवी तालाब से निकलेगी, त्रिपालनी माता जी का आशीर्वाद और वो शोभा यात्रा जो ऐतिहासिक यहाँ पर अयोध्या में ही बनेगा, भगवान राम नाम का संकीर्तन करते हुए सभी मंदिरों से और सभी से विनती है कि सभी मंदिर जो राम भगत सभी हैं साथ चलें, क्योंकि ये सारे शहर की परिक्रमा जो होती है इसमें खास ही मेरे प्रभु बहुत खुश होते हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि देवी तालाब से निकलने वाली ये शोभा यात्रा जो त्रिपालनी माता के चरणों में नमस्कार करके और जो माँ देवी तालाब में माँ साक्षात माता बैठी है उसको प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लेके इस शोभा यात्रा में सभी आए। धन्यवाद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बड़ी खुशी की बात है, हर वर्ष की भांति श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण से जो रामनवमी शोभा यात्रा के उपलक्ष में यह शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें हम सभी हरि दर्शन मंदिर अशोक नगर
नगरवासी आस पड़ोस वाले जितने भी जो है हमारे नगरवासी सभी बढ़ चढ़ करके इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए जय सियाराम, बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय। शक्तिपीठ देवी तालाब से 16 अप्रैल को भगवान रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति बढ़ चढ़ करके शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कि सभी जन समुदायों के लिए सूचित किया जाता है कि सब लोग अपने सपरिवार लेकर के तन मन धन की सेवा करते हुए भगवान रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में झांकी में शामिल होकर के हुए आशीर्वाद ग्रहण करें, और उसके साथ साथ में हम अपने गीता मंदिर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय। देवी तलाब प्रबंधक कमेटी तो हर साल की तरह जेडी कि श्री राम नवी शुभ यात्रा निकाली जाती है, वो वास्ते साढ़े उतों मंदिर के साढ़े जोड़े भगत ने प्रधान साहब ने भेजे ने, वो सारे साढ़े पाद शिव श्री गुरु सिंह मंदिर आए हैं। सानू रामनवमी का हर साल की तरह निकलती है, वो श्रद्धा देने वास्ते 16 अप्रैल में जो कि इतिहासिक शोभा यात्रा होंगी है, जिदे असी हर साल शामिल होंगे हाँ, अपने सारे अपने जिन्हें भी साढ़े भगत सारे जाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हुए सारे शहर के शोभा यात्रा निकाली जाती है। असी सारे मंदिर हाँ, तो सारे असी रल मिल के शोभा यात्रा दे चलेंगे, तो प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करांगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जलंधर वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी की शोभा यात्रा देवी तालाब मंदिर प्रांगण से 16 अप्रैल को जो निकाली जा रही है, बड़ी भव्य अलौकिक और दिव्य निकाली जा रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ से आज हमारे मंदिर पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरी शंकर मंदिर में निमंत्रण देने के लिए पधारे, हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं अपनी प्रबंधक कमेटी के साथ प्रधान श्री सुभाष शर्मा जी और उनकी सारी टीम के साथ आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मंदिर जिस प्रकार से हर साल आपकी शोभा यात्रा में भाग लेता है, उसी प्रकार इस साल भी बड़े उत्साह के साथ भाग लेंगे और बड़े आनंद के साथ अपने भक्तों के साथ भाग लेकर के शोभा यात्रा को भव्य अलौकिक और अपना भाग्य सार्थक करेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ शोभा यात्रा में भाग ले करके अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली बनाने के लिए जरूर शोभा यात्रा में प्रार्थना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अप्रैल वाले दिन देवी तलाब मंदिर तो जो रामनवमी के उत्सव जो शोभा यात्रा कढ़ी जाती हर साल की तरह, और साडा मंदिर सिद्ध बाबा बालक नाथ गुरु अमरदास नगर वालों सारी संगत को लै के इस शोभा यात्रा में असं हाजिर होवेंगे, और हर साल की तरह सारी संगत को रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल करके राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक, जय बाबा जी। नीना कुकरेजा का आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में विधिवत ढंग से किया गया। स्वर्गीय नीना कुकरेजा को मुखाग्नि उनके पति नरेश कुमार ने दी। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पति नरेश कुमार, बेटा पारस, बेटी माधुरी, दामाद अंकुर सहित शहर के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय नीना कुकरेजा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के नजदीकी गांव मंडाला में मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात लोगों ने नौजवान को मारी गोलियां, हुई मौत। कपूरथला के अधीन आते काला सिंगिया में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक की हुई मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। जालंधर में पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा की अगुवाई में निकाला गया फ्लैग मार्च, कहा पुलिस जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।